इंसान को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना, यस यस सब्सक्राइब कर देना, यस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सिट्स व्लॉग एंड म्यूज़िक यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो सबसे पहले जो है वो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला जो है हमारे रोज़े कबूल फरमाए, हमारी इबादतें कबूल फरमाए। तो मुझे उम्मीद है आप सबका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज जो है वो 9th रोज़ा है और आज मैंने डिसाइड किया कि इतने दिन हो गए हैं, मैं घर भी आ गया हूँ लाहौर से, तो मैंने सोचा कि जो है आज हम जो है घर पे ट्राई करते हैं, हम घर पे जो है वो सैंडविच बनाते हैं। तो मैंने कहा जब मैं बना ही रहा हूँ तो मैं एक व्लॉग भी बना लूँ, इतने टाइम से व्लॉग भी नहीं बनाया है, तो सोचा कि आज व्लॉग भी बनाते हैं और सैंडविच भी बनाते हैं और आपके साथ जो है हम आज इफ्तार भी करेंगे। तो चलो आप जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ जो है आप भी हमारी इस इफ्तारी में शामिल हो जाएँ। अभी जो है वो अफ्तार का भी टाइम होने लगा है, तो चलो हम चलते हैं किचन और सैंडविच बनाते हैं। बट उससे पहले आप सबसे वंस अगेन एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो टाइम हो गया है, चलो चलते हैं हम किचन। अभी जो है हम फ्रिज से जो है ब्रेड लेंगे, ये हमारा ब्रेड, एक मिनट, वाओ कस्टर्ड पड़ा हुआ है, यमी। तो हमने जो है वो ब्रेड लेना है, ब्रेड के साथ हमें जो है ये मेयोनीज लेनी है, ये दो मेयोनीज हैं फिलहाल, हम एक लेंगे तो उसके बाद में ले लेंगे। अभी जो है हम किचन में आ गए हैं और सैंडविच बनाने के लिए मैंने जो है एक चेस्ट पीस चिकन लिया है और उस चेस्ट पीस चिकन को जो है पहले मैंने बॉयल किया था, उसके बाद जो फिर मैंने मैरिनेट किया है। तो अभी ये मैरिनेट हुआ हुआ है, 5 मिनट तक हम इसको रखेंगे, इसको उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे और फिर जो है हम सैंडविच बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर लगा दी हैं और अब जो है हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। एक डालेंगे इसके ऊपर, उसके बाद इसको जो है हम इसके ऊपर खीरा डालेंगे, खीरे के बाद जो है हम इसको ओवन में जो है हम इसको थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे, स्टीम करेंगे, उसके बाद फिर जो है हम इसको अफ्तारी में एंजॉय करेंगे। कवरिंग हो गई है, अब जो है हमें इनको ओवन में गर्म करना है।
फाइनली जो है वो इफ्तारी का टाइम हो गया है और सैंडविच भी रेडी हो गए, जैसे कि आपने देखा सैंडविच बन गए हैं। तो अभी जो है हमारा यहाँ पर इफ्तारी का जो है वो सेटअप भी इधर हो गया है। तो अभी जो है हम इफ्तारी करेंगे, इफ्तारी के बाद जो है हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। तो चलो इफ्तारी कर लेते हैं। और इफ्तारी के बाद जो नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद अभी हम घर आ गए हैं वापस। तो बहुत अच्छा लगा आज की इफ्तारी में, हमने व्लॉग भी बना लिया और साथ सैंडविच भी बना लिए और घर सबके साथ हमने इफ्तारी भी की। तो इफ्तारी करने के बाद अब टाइम आ गया है कि हम जो है इस व्लॉग को एंड करें। बट इस व्लॉग को एंड करने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा ज़ोरा से। ज़ोरा ये है ज़ोरा, से हेलो। हेलो, कैसे हो सब? इधर मेरा पैदा है। तो ये है ज़ोरा, ज़ोरा मेरी जान है। तो ज़ोरा बोलो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो इट्स नाइस टू मीट विद ज़ोरा आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। इन द एंड मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप सबको जो है वो रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन। तो आप सब जो है इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह जो है हमारी इबादतें कबूल फरमाएँ, हमारी नमाज़ें कबूल फरमाएँ। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। ज़ोरा से गुड बाय। गुड बाय। सब्सक्राइब कर देना।